चलो जीआई इन साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करते हैं तो जीआई मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, लेकिन अब इसमें हमें पोजीशन देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर ये वाला हमने साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि छः कार्बन है और एक साइकिल में है, तो उसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अब क्या होगा, एक CH3 मैंने ऐसे दिखा दिया और एक CH3 हमने ऐसे दिखा दिया। मतलब जो डार्क वाला लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज इन द प्लेन और दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। अब इसको हम बोलें कि ये सिस है कि ट्रांस है, तो इसको शो करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका आपको नॉर्मल डायग्राम बनाकर आपको इसको चेक करना पड़ेगा। क्या? देखो हम बता रहे हैं, अब ये वाला अगर सिस कब शो करेगा, ट्रांस कब शो करेगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का ये दो पार्ट्स होता है। तो ज्योमेट्रिकल में अगर ये एक बार सिस शो करेगा और ये एक बार ट्रांस शो करेगा, तो जो अगर सिस होगा तो आपको तो ये हम कॉन्वेंशनल डायग्राम सबको ड्रॉ करके सिखाए थे कि ये कैसे ड्रॉ होता है। तो सिस में क्या होगा, दोनों अल्टरनेट एक्सियल पर हो जाए तब भी इसको सिस हम बोलेंगे, और फिर इसको ऐसे ड्रॉ करो, या दोनों अल्टरनेट इक्वेटोरियल पर भी हो जाए तब भी इसको क्या बोलेंगे हम? सिस बोलेंगे। ये सिस का कंडीशन है। लेकिन अगर हम ट्रांस की बात करते हैं, लेकिन अगर हम ट्रांस की बात करते हैं तो एडजेसेंट कार्बन पर दोनों चाहे इक्वेटोरियल हो जाए या दोनों चाहे एक्सियल हो जाए, तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो सिस के लिए क्या है? अल्टरनेट, मतलब एक कार्बन लो फिर एक छोड़ो दूसरे कार्बन पर, दोनों एक्सियल हो जाए। फिर से बता रहे हैं, सिस कब होगा? जब एक कार्बन पर ड्रॉ करो, दूसरा को छोड़ो तीसरे कार्बन पर। तो जब अल्टरनेट कार्बन पर दोनों एक्सियल हो या दोनों इक्वेटोरियल हो, उसे क्या बोलेंगे हम? सिस। और जब एडजेसेंट कार्बन पर आइदर आपका दोनों एक्सियल है या आपका दोनों इक्वेटोरियल है, इसे क्या हम बोलेंगे? ट्रांस। यानी हम स्टेटमेंट में इसको क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट एक्सियल अब्लिक इक्विटोरियल, अल्टरनेट एक्सियल अब्लिक इक्वेटोरियल आर सिस विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट को, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एडजेसेंट एक्सियल ऑब्लिक एडजेसेंट इक्वेटोरियल आर ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है? तो ये हम समझ गए। अब मैं आपको एक लॉजिक में बताऊंगा कि कैसे हम सिस एंड ट्रांस को पता करेंगे, ठीक है? क्योंकि तो एग्जाम में बार बार आप इतना डायग्राम बनाओगे क्या? इट इज वेरी मच टाइम टेकन। क्लियर? हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स का।
अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो क्या होगा, देखो, इफ बोथ, इफ बोथ आर सेम, बोथ आर सेम मीन्स आइदर दोनों एक्सियल पर हो या दोनों इक्वेटोरियल पर हो, देन टेक ओनली डिफरेंस, देन टेक ओनली डिफरेंस इफ इट कम्स आउट, if it comes out to be odd then trans and if it comes out to be even then it is cis. पहला ये कंडीशन है. दूसरा, अगर दोनों सेम के जगह अगर दोनों डिफरेंस हो तब क्या होगा. if both are different, if both are different मतलब एक इक्वेटोरियल तो दूसरा एक्सियल, if both are different take difference and and then add one, take difference and then add one. If it comes as, if it comes as odd then trans and if it comes as even then it will be सिस. ये दो ट्रिक है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा. हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे इसको यूज करेंगे. जैसे मान लो अगर हमें एक ये क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम्पल, ये वाला हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, एक हमें ये दिया गया है और एक हमें ऐसे दिया गया है, दो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को क्या करोगे आप, सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे, इसका नंबरिंग करो आप. नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट. तो दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ एंड सिक्स. नाउ द क्वेश्चन आस्क वेदर इट इज सिस और ट्रांस. सो वॉट विल यू डू, यू विल टेक द डिफरेंस. अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम है कि डिफरेंट है. हम क्या देख रहे हैं कि वन पर हमारा, वन नंबर पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला स्लैंट है, मतलब ये वाला इक्वेटोरियल है, और थ्री पर स्ट्रेट है, मतलब ये वाला एक्सियल है, मतलब दोनों हमारा क्या है, डिफरेंस है. आई विल टेक द सेकेंड नंबर ट्रिक. समझ में आए कि नहीं आए. तो डिफरेंस निकालो तो क्या होगा, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, और फिर हम इसमें वन ऐड करेंगे तो टू प्लस वन कितना होता है, थ्री. अब थ्री आ गया तो ये ऑड है कि इवन है. थ्री इज योर ऑड, यानी ये वाला जो मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिग्रेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस. इस तरह से आप सॉल्व करके अपना एग्जाम का टाइम बचा सकते हो, नहीं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा एग्जाम में. तो तुम नंबर दान करके आ जाओ. सारे बच्चे दानी है, खूब नंबर दान करते हैं एग्जाम में, नहीं नंबर लेके आना है. अगर एक और क्वेश्चन की हम बात करें कि ये वाला, एक हमने ऐसे ड्रॉ किया एक ऐसे, आप गेस मारो क्या होगा. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका नंबरिंग करोगे. करो नंबरिंग. नंबरिंग कैसे करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे,
आप देख रहे हो कि दोनों सेम है, वन वाला भी जो पोजीशन है ये वाला भी इक्वेटोरियल है, जो फोर वाला पोजीशन है ये वाला भी इक्वेटोरियल है, बोथ आर सेम ना। यानी आपको केवल डिफरेंस लेकर टेस्ट करना है, हमारा फर्स्ट ट्रिक, इफ बोथ आर सेम टेक ओनली डिफरेंस, गॉट इट। तो यहां क्या हो जाएगा, 4-1=3, 3 क्या है, ऑड की इवन है, 3 ऑड है, यानी ये वाला जो हमारा कंप्लीट डायग्राम दिया गया है इट इज माय ट्रांस कॉन्फिगरेशन। कुछ समझ में आ रहा है कैसे हम बनाएंगे? कुछ हम क्वेश्चंस आपको देते हैं जिसमें आपको ये पता करना है कौन सिस है कौन ट्रांस है, यही लॉजिक से अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आपको ये पता करना है कि ये भी जो भी डायग्राम है वो सिस है कि ट्रांस है। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट। अब ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको तो नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग में क्या हुआ, ये वन हो गया, ये टू हो गया। आप क्या देख रहे हो कि वन वाला ग्रुप भी इक्वेटोरियल है, टू वाला ग्रुप भी इक्वेटोरियल है, दोनों सेम है ना, यानी केवल क्या लेंगे डिफरेंस बस। तो क्या होगा, 2-1=1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 क्या हो गया ऑड, ऑड माने क्या हुआ ट्रांस। समझ में आया कि नहीं, सिंपल लगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, अब अगर मैं एक ये क्वेश्चन ले लिया कि आपको ये बताना है कि ये सिस है कि ट्रांस है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको पता करने के लिए आप पहले इसको नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या देख रहे हो कि वन पर जो ग्रुप है इट इज इक्वेटोरियल, जो थ्री पर ग्रुप है ये भी आपका इक्वेटोरियल है, मतलब दोनों सेम है, जस्ट एक डिफरेंस, 3-1=2, 2 ऑड एक इवन है, 2 हो गया इवन, यानी ये वाला हमारा कॉन्फर्मेशन क्या है, सिस फॉर्म है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम एक ये ले रहे हैं, एक हमने ऐसे दिया है और एक हमने ऐसे दिया है, और मैं पता कर रहा हूँ इसका कि ये सिस है कि ट्रांस है, तो पहले आप नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या देख रहे हो कि वन पर भी हमारा ग्रुप किस पर है, इक्वेटोरियल पर है, फोर पर भी हमारा ग्रुप किस पर है, इक्वेटोरियल पर है, दोनों सेम है ना, यानी केवल डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 4-1=3, 3 ऑड है कि इवन है, 3 ऑड है, यानी ये वाला हमारा ट्रांस कॉन्फिगरेशन है। समझ में आ रही है आउट ऑफ द क्वेश्चन? चलो अगर अगला हम बात करें, अब हम पूछेंगे ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है, तो पहले क्या करना पड़ेगा इसका, नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या देख रहे हो कि वन वाला कहाँ है, इक्वेटोरियल पर,
फोर वाला कहाँ है? इक्वेटोरियल पर, यानी तो क्या हुआ, दोनों हमारा सेम है। तो जब दोनों हमारा सेम हो गया यानी केवल डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 4-1=3, 3 ऑड है कि इवन है, 3 ऑड है, तो क्या हो गया ट्रांस। समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगर एक ये क्वेश्चन दिया है, अब हमको ये बताना है कि ये वाला क्या है, सीस है कि ट्रांस है। पहले नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम देख रहे हैं कि 1 वाला कहाँ है इक्वेटोरियल पर, 3 वाला कहाँ है इक्वेटोरियल पर, दोनों के दोनों सेम है, जस्ट टेक द डिफरेंस। 3-1 कितना होगा 2, 2 ऑड है कि इवन है, 2 इवन है, ये क्या हो जाएगा सीस। हमें लग रहा है आपको धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अगर हम दो को एक साथ जोड़े, हम दो को अगर एक साथ जोड़ दिए, एक इस तरह, अब हम बोले बेटा ये क्या है, सीस है कि ट्रांस है। पहले आप इसका क्या करोगे, नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या देख रहे हो कि 1 वाला किस पर है, इक्वेटोरियल पर, 6 वाला किस पर है, इक्वेटोरियल पर, बोथ आर सेम, जस्ट टेक अ डिफरेंस। 6-1=5, 5 क्या हो गया ऑड, ऑड मतलब क्या हो गया ट्रांस। नेक्स्ट अगर एक और हम ले रहे हैं, एक ये है एक ये है, नंबरिंग करें इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1 पर ग्रुप है ये एक्सियल पर है, जो हमारा 5 पर ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पर है, दोनों दे आर नॉट सेम। व्हाई दे आर नॉट सेम, क्योंकि दोनों नाइदर एक्सियल है नॉर इक्वेटोरियल, डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंस लेके 1 जोड़ना पड़ेगा। निकालो डिफरेंस, 5-1=4, प्लस 1 जोड़ो इसमें, 4+1=5, 5 हमारा आ गया ऑड, ऑड मींस हो गया ट्रांस। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, अब अगर मैं एक ये क्वेश्चन दिया, अगर मैंने एक ये क्वेश्चन दिया, इसमें हम बोले कि ये क्या है, सी से कि ट्रांस है, तो नंबरिंग वहीं चालू करना है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो। ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। हम क्या देख रहे हैं कि 1 वाला पर क्या है एक्सियल, 6 वाला पर क्या है इक्वेटोरियल, बोथ आर नॉट सेम, आई विल टेक द डिफरेंस एंड एड 1।
आई विल टेक द डिफरेंस एंड ऐड वन, यानी क्या हो जाएगा, 6 - 1 = 5, 5 + 1 = 6, 6 ऑड है कि इवन है, इवन, तो क्या हो जाएगा ये 6। आया समझ में? नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एक और, अगर हमें ये दिया हुआ है तो पहले इसका नंबरिंग करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 वाला पर कहाँ पर रखा गया है, इक्वेटोरियल पर, 6 वाले को कहाँ रखा गया है, इक्वेटोरियल पर, बोथ आर सेम, जस्ट टेक द डिफरेंस, 6 - 1 = 5, 5 हमारा क्या हो गया, ऑड, ऑड मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांस। तो इस तरह से हम इसको सिस एंड ट्रांस पर समझ सकते हैं। क्लियर है? चल नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें बोला गया है कि आप इसका सिस फॉर्म बनाकर दिखाओ। क्या बनाना है मेरे को? आप इसका सिस फॉर्म बनाकर दिखाओ। तो इसका आप सिस फॉर्म कैसे बनाओगे इन टर्म्स ऑफ चेयर फॉर्म, हमें ये करना है। यू हैव टू ड्रॉ इट्स सिस फॉर्म। तो क्या करोगे आप, पहले ऐसे एक डायग्राम बनाकर देख लेना। अब आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप है ये बल्की है, तो ये हमेशा इक्वेटोरियल पर ही जाएगा। आपको सिखाए थे कि बड़ा और जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर ही आता है। तो इसमें आप दो केस ले लो, यहाँ भी आप बड़ा ग्रुप को, ये तो इक्वेटोरियल पर ही जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं। लेकिन जो दूसरा हमारा मिथाइल है, इसको आप क्या करो, एक बार इसको आप एक्सियल पर रख दो और एक बार इसको आप इक्वेटोरियल पर रख दो। अब आपको इसका सिस डायग्राम ही बनाना है। अब आप चेक कर लो कौन सिस है कौन ट्रांस है, ऐसे बनाकर आप टेस्ट कर लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस और ट्रांस। नंबरिंग कर लो, ये आया 1, ये आया 2, दोनों डिफरेंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 2 - 1 = 1, 1 + 1 = 2 आ गया। तो 2 मेरा क्या हो गया, इवन हुआ, यानी ये क्या हो गया, सिस। अगर यहाँ हम बात करें 1 और 2 दोनों सेम पर हैं, मतलब केवल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो 2 - 1 = 1, 1 मेरा क्या हो गया, ऑड, ऑड मतलब क्या हुआ, ट्रांस। हमें क्वेश्चन में क्या बनाने को बोला गया है, सिस, मतलब हमारा ये वाला इसका आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला तभी आंसर होगा जब वो क्या बोलता, ड्रॉ इट्स ट्रांसफॉर्म। तो क्या अगर साइक्लोहेक्सेन दिया है तो आप उसका सिस एंड ट्रांस बना सकते हो? बनाकर आप टेस्ट भी कर लेना कि ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट हम बात कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस। कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, विच वन इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस।
कौन ज्यादा स्टेबल है, सिस है कि ट्रांस है? क्वेश्चन में हम दे देते हैं आपको, एक ये दिया हुआ है, और एक हमारा ये दिया हुआ है। ये वाला ट्रांस है और ये वाला सिस है। हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों में से सबसे अधिक स्टेबल कौन है। तो आपको हम पहले सिखाए थे कि अगर हम जो इक्वेटोरियल पर है इट इज़ मोर स्टेबल देन प्लेस्ड एट एक्सियल, यानी ये वाला पूरा ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल पर है। ये वाला ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल पर है। ये वाला ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल पर, और ये वाला कहाँ, एक्सियल पर है। तो इक्वेटोरियल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्सियल। समझ में आया कि नहीं? अगर हम एक और चेक करें क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा स्टेबल है, सिस है कि ट्रांस, ये ए है ये बी है, और आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस। तो आप क्या करोगे, पहले हमें खाली बस इतना ही देखना है कि इसमें से कौन कहाँ रखा गया है। ये वाला पूरा ग्रुप कहाँ रखा गया है, इक्वेटोरियल पर। ये वाला ग्रुप कहाँ रखा गया है, इक्वेटोरियल पर। ये वाला ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल पर। ये वाला ग्रुप कहाँ है, एक्सियल पर। हमें पता है कि बल्कि ग्रुप शुड बी एट इक्वेटोरियल, यानी दिस वन इज मोर स्टेबल बिकॉज बल्कि ग्रुप इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल। समझ में आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगर हमें एक ये दे दे ये वाला, एक हम ऐसे ले लिए और वन दिस वे, एक और हमने ग्रुप ले लिया एक ऐसे और एक ऐसे। ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो पहले हमें बस यही देखना है कि दोनों ग्रुप सेम है तो कहाँ रखा गया है, लेकिन अगर ग्रुप बल्कि है तो उसको एनी हाउ इक्वेटोरियल पर ही रखना है, हाँ कि ना। ये वाला कहाँ है, इक्वेटोरियल पर। ये वाला कहाँ, इक्वेटोरियल, मतलब दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पर है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पर आइए, ये वाला मिथाइल इक्वेटोरियल पर है और ये वाला मिथाइल एक्सियल पर है। आपको पता है कि इक्वेटोरियल ग्रुप इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्सियल, यानी ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो। समझ में आ गया कि अगर आपका रिंग दिया है तो उसका कैसे आप कॉन्वेंशनल डायग्राम बनाओगे, कैसे आप सिस पहचानोगे, कैसे आप ट्रांस पहचानोगे, कैसे स्टेबिलिटी पहचानोगे। समझ में आ गया, क्लियर? चलो इस पर आपका दो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिंग, कितना, नेक्स्ट हम बात करेंगे